अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के रोज़े? तो मेरे भी अच्छे गुजर रहे हैं, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए डिटेल में वीडियो नहीं बना सकी। ये छोटी सी एक वीडियो है, इंशाल्लाह डिटेल में आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगी। तो इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ये मैं पकौड़े बना रही हूँ जो कि बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं। तो बस ये आप उसके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर उसके बाद अफ्तारी कर रहे हैं हम लोग। अफ्तारी में मैंने दही की हरी चटनी बनाई थी और ये चाट बनाया था और फ्रूट्स वगैरह था, शरबत थी। ये मेरे हस्बैंड ले आए थे बना हुआ फ्रूट चाट ले आए थे, क्रीमी, जो कि बहुत मज़े का था। तो मैंने सोचा आप लोगों से वीडियो शेयर कर लूं। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे जो नए आने वाले फ्रेंड्स हैं, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। आज मेरी नन का भी आखिरी दिन है कराची में, और फिर वो चली जाएंगी पंजाब, उनके टिकट हो चुके हैं। तो आखिरी अफ्तारी जो हमारे साथ कर रही है पूरी फैमिली के साथ। अफ्तारी के बाद अम्मी दही बनाने के लिए रख लेती हैं, ये सहरी तक बन जाता है। इसे दूध को हल्का सा नीम सा गर्म किया है और फिर उसके बाद थोड़ा सा इसमें दही डाल के अच्छे से मिक्स करके और इसे ढककर रख देना है सहरी तक, और ये फिर अच्छा सा दही बन जाता है। ये सहरी का टाइम है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखें, दही बन के तैयार हो चुका है और साथ ही अम्मी अब रोटियाँ बना रही हैं सहरी के लिए। हम लोग पराठे नहीं खाते, यही सिंपल सी रोटी होती है और फिर उसके ऊपर हम लोग मक्खन डाल के मज़े से खाते हैं। ये अभी मैं लस्सी बना रही हूँ और साथ में दूसरे चूल्हे पे मैंने चाय रखी थी, और अभी लस्सी के लिए मैंने दही डाला है और 2 टीस्पून मैंने नमक डाला है, और थोड़ा सा पानी डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से इससे मिक्स करना है, दही को फेंट देना है। ये देखें, अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब इसमें ठंडा पानी डालूंगी और ये मज़े की ठंडी ठंडी लस्सी तैयार हो चुकी है। अब मैंने इसको एक साइड पे रख दिया है। और फिर हमने सालन बनाया था रात को, भिंडी आलू, वो फिर गरम किया, और फिर इसके बाद ये लस्सी है और गरम गरम रोटी पे मैंने मक्खन डाला। और हम लोग किस तरह एंजॉय करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।